तो दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का अगस्त महीने का पोर्टफोलियो अब आ चुका है। तो जैसे अब हमारे चैनल पे एक ट्रेडिशन रहा है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को मंथ ऑन मंथ हम रिव्यू करते हैं, देखते हैं इसने किस महीने में कितने चेंजेस किए हैं, वही चीज हम आज भी यहां पर करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कितने ज्यादा चेंजेस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले महीने अपने पोर्टफोलियो में किए हैं, और साथ में हम ये भी समझेंगे कि अब जो इनका फॉरेन इक्विटी का एक्सपोजर है वो कितना कम हो गया है, और क्या अभी आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, बने रहना चाहिए या नहीं बने रहना चाहिए, स्पेशली इस मोमेंट पे जब यूएस में लगातार जो इंटरेस्ट रेट है वो हाइक हो रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल तक भी इंटरेस्ट रेट हाइक रहेगा और शायद यूएस में रिसेशन के भी चांसेस बन सकते हैं। ऐसे मौके पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जैसे फंड में जिसमें 30-40% एक टाइम पे एलोकेशन हुआ करता था यूएस इक्विटी का, क्या आपको ऐसे फंड में बने रहना चाहिए या नहीं बने चाहिए। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात चली रही है तो मैं एक बुक यहां पर आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, स्टॉक्स टू रिचेस। ये बुक आपको बताती है कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। एक रिटेल इन्वेस्टर को एक अच्छी नॉलेज ये बुक देती है, और अच्छी बात क्या है कि इस बुक को आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इस बुक को आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, 10,000+ इसके पास ऑडियो शो लाइब्रेरी है, प्ले स्टोर पे इसकी रेटिंग 4.5+ चल रही है। यहां पर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी बुक्स को सुन सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है आप उसमें जाकर इस बुक को सुन सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो सिर्फ 199 रुपीज पर ईयर में आपको कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और आप ऐसी और भी बहुत सारी बुक्स को सुन सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जाकर डाउनलोड कीजिए और आज ही अपनी बुक समरी सुनना शुरू कीजिए। अब आइए दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इस वक्त आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और क्या ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं। तो अब दोस्तों हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के अगस्त मंथ का पोर्टफोलियो यहां पर प्लॉट कर लिया है। जुलाई का हमने ऑलरेडी इस एक्सेल में किया हुआ था, उसके अलावा हमने अगस्त का यहाँ पर पोर्टफोलियो डाल लिया। तो जितने भी ये ऑरेंज हाइलाइटेड कंपनीज आपको दिख रही हैं, ये ऑलरेडी इसके पोर्टफोलियो में पिछले मंथ भी थी, इसमें इन्होंने और इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ाई है और शेयर्स खरीदे हैं। वहीं ये जो ग्रीन हाइलाइटेड कंपनी है इसमें नई इन्वेस्टमेंट फ्रेश एंट्री कंपनी ने की है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बजाज होल्डिंग्स, एक्सिस बैंक, HDFC और HCL टेक में यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। और अगर आप पर्टिकुलरली HCL टेक को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लगातार मंथ ऑन मंथ इसमें कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको देखने को मिलेगा 12 लाख के आसपास शेयर्स इन्होंने अगस्त मंथ में इसमें ऐड किए हैं। उससे पहले अगर हम देखेंगे तो जुलाई मंथ में भी इन्होंने 15 लाख शेयर्स ऐड किए थे, उससे पहले 1,25,000 शेयर ऐड किए थे। तो लगातार हर महीने ये कंपनी HCL टेक में इन्वेस्टमेंट करती हुई नजर आ रही है पिछले 4-5 महीनों से। तो काफी सारे लोगों का सवाल आता है HCL टेक को भी लेकर, तो आपको समझ आ गया होगा कि क्यों यहाँ पर एक अच्छी कंपनी इसमें लगातार इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा रही है। नीचे के लेवल्स पे इस पे जो ट्रस्ट है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड करते हुए दिख रहा है, तो वो देखने वाली बात रहने वाली है कि क्या जो इनका ट्रस्ट है वो आने वाले टाइम में इनको अच्छी रिटर्न्स देगा या नहीं देगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, इपका लेबोरेटरीज, ये 6 कंपनीज हैं जिनमें इन्होंने जो पुरानी कंपनीज थी लेकिन इन्होंने एडिशनल शेयर्स को खरीदा है। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है यहाँ पर जिसमें इन्होंने शेयर्स को बेचा हो। तो काफी स्टेबल म्यूचुअल फंड है ये, बहुत ज्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में नहीं करता है, जो कि एक अच्छी बात इसकी यहाँ पर दिखती है। नई एक कंपनी को इसने ऐड किया, NMDC लिमिटेड को इसने अपने पोर्टफोलियो में 0.58% की यहाँ पर जगह दी है। टोटल 1,22,00,000 के आसपास शेयर्स इसने इस कंपनी के अभी परचेज किए हैं। तो ये एक कंपनी है जिसको इसने अपने पोर्टफोलियो में इस वक्त ऐड किया है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे जो एक रिस्क मुझे यहां पर नजर आता है, अगर आपको पता होगा NMDC लिमिटेड भी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, यानी कि सरकारी कंपनी है। इससे कुछ 1-2 महीने पहले ही
इन्होंने कोल इंडिया को भी पोर्टफोलियो में ऐड किया था जो कि एक सरकारी कंपनी थी। तो ये दो सरकारी कंपनीज इन्होंने अभी रिसेंटली ऐड किए हैं। उससे पहले पावर ग्रिड को भी अभी इन्होंने पिछले 6-8 महीने में ही अपने पोर्टफोलियो में यहां पर ऐड किया है। तो कंपनी क्या यहां पर अब धीरे धीरे सरकारी कंपनीज में अपना पैसा बढ़ा रही है, डिविडेंड यील्ड के लिए यहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है। मे बी ये लोग सोच रहे हैं कि सिंस अभी जो पोर्टफोलियो है उसमें रिटर्न्स नहीं आ रही है, मार्केट में रिटर्न्स नहीं है, तो ज्यादा डिविडेंड यील्ड के लिए ये सरकारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे पर्टिकुलरली उन म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा यहां पर डर लगता है जो सरकारी कंपनीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सरकारी कंपनीज में इन्होंने रिसेंटली इन्वेस्ट करने का एक सिलसिला शुरू किया है उसमें बहुत ज्यादा एडिशंस नहीं होंगे और ये आगे चलते हुए पीएसयू सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाला फंड नहीं बनेगा। क्योंकि उस वक्त अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं अपनी तरफ से आपको उसी वक्त बोल दूंगा कि अब आपको इस फंड से निकलने का सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसे फंड्स, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले फंड्स नहीं पसंद है। तो ये एक थोड़ा सा रिस्क अभी बढ़ता जा रहा है इस कंपनी को, अगर इस फंड की अगर हम बात करते हैं, मुझे ये चीज थोड़ी सी यहां पर नेगेटिव नजर आती है अगर हम इस फंड की बात करते हैं। आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं फॉरेन इक्विटी को। फॉरेन इक्विटी में जो सबसे बड़ी दिक्कत इस फंड को झेलने को मिल रही है, यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर लगातार इसके जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है फॉरेन इक्विटी में वो तो ये बढ़ा नहीं सकते हैं। तो फॉरेन कंपनीज की जो ये चार मेजर कंपनीज है, अल्फाबेट इंक यानी कि गूगल, उसके अलावा आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा, इनमें ही इसने इन्वेस्टमेंट की हुई है 20% के आसपास। अगर आप देखेंगे यहां पर इसने टोटल सुजुकी मोटर्स को अगर आप इंक्लूड कर लेंगे तो इन्वेस्टमेंट अभी यहां पर फॉरेन इक्विटी में हुई है। यहां पर दोस्तों जो एक कंसर्न यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 20.37% का इनका फॉरेन इक्विटी का एक्सपोजर इस वक्त रह गया है, जो आज से अगर हम 6 महीने पहले चलते हैं, ये मैंने आपको अगर आप देखेंगे ये फरवरी 2022 का पोर्टफोलियो यहां पर है, तो अगर आप फरवरी 2022 के पोर्टफोलियो में देखेंगे तो 29% का एक्सपोजर हुआ करता था, जो अभी इस वक्त गिरकर लगभग 20% के आसपास का रह गया है। तो लगातार फॉरेन इक्विटी में एक्सपोजर इनका कम हो रहा है। दूसरी चीज आपको समझनी है कि वहां पर जो इक्विटी है वहां पर बहुत ज्यादा गिरावट आ रही है यूएस में, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर आ रही है कि अभी जो फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है वो इनकी बंद है, तो इस वजह से ये फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो वो भी एक रिस्क है जो इसके साथ यहां पर लगातार जुड़ा हुआ है कि इन्होंने शायद ऊपर के लेवल पे इनमें इन्वेस्ट किया होगा और ये अपनी जो होल्डिंग्स है उनको एवरेज भी यहां पर नहीं कर पा रहे हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों जिनका कैश है वो भी अभी 10% के आसपास है, तो कैश में बहुत ज्यादा पैसा है और उसके साथ साथ जो फॉरेन इक्विटी है उसकी एलोकेशन भी यहां पर कम होती हुई लगातार नजर आ रही है। एक बार ही चलते हैं हम इसके रिस्क रेशियोज देखते हैं, उसके साथ साथ इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कि क्या ये बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं, फिर हम बात करेंगे कि किस टाइप के इन्वेस्टर को अभी यहां पर क्या करना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले अगर हम इसकी रिस्क रेशियोज पे बात करते हैं तो रिस्क रेशियोज सभी की सभी इसकी काफी अच्छी दिखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो ये दिखाता है कि फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है वो भी काफी कम है, सिर्फ 19.29 की स्टैंडर्ड डेविएशन है। शार्प रेशियो भी इसकी अच्छी है जो ये दिखाते हैं कि एक फंड कितना बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, और उसके साथ साथ टर्नओवर रेशियो भी इसकी काफी कम है, सिर्फ 19% के आसपास की यहां पर इसकी टर्नओवर रेशियो दिख रही है। तो ये काफी अच्छी चीजें यहां पर इसको देखने को मिल रही हैं कि जो इसकी रिस्क रेशियोज है वो अच्छी है, और ये वन ऑफ दी की हाइलाइट्स इसकी रहती है कि टर्नओवर रेशियो, शार्प रेशियो और स्टैंडर्ड डेविएशन काफी इसके अच्छे हैं। टर्नओवर रेशियो हमने अभी इसका वो भी देख लिया, पोर्टफोलियो हर महीने बहुत ज्यादा चेंजेस ये फंड नहीं करता है तो इसलिए इसकी टर्नओवर रेशियो इतनी ज्यादा कम रहती है। इसकी रिटर्न्स पे बात कर लेते हैं कि कैसा इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस है। तो यहां पर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो सिंस इंसेप्शन अभी भी बहुत अच्छी रिटर्न्स है, 10,000 की इन्वेस्टमेंट आपकी, इसने सिंस इंसेप्शन 51,000 के आसपास बना दी है, 19% की रिटर्न इसने यहां पर दी है। 5 सालों में भी अच्छी रिटर्न्स है, 18% की रिटर्न है, 3 सालों में 25%, 2 सालों में 27%। दिक्कत कहाँ आ रही है, 1 साल में -2% की रिटर्न है और 6 महीने में लगभग
फ्लैट रिटर्न्स अभी ये देता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर एक साल और छह महीने में अच्छी रिटर्न्स नहीं है, लेकिन साथ में आपको ये चीज भी समझनी है कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट ने ही पिछले एक साल से अच्छी रिटर्न्स नहीं दी है। तो ऐसा नहीं है कि इस फंड की रिटर्न्स अच्छी नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी रिटर्न्स आपको मिली है, तो वो चीज को भी आपको यहां पर समझ कर चलना है। और वहीं दोस्तों अगर हम SIP इन्वेस्टमेंट पे बात कर लें तो SIP इन्वेस्टमेंट में भी एक साल में लगभग ना के बराबर रिटर्न्स है। 12,000 की लागत, अगर आपने 1,000 रुपीज पर मंथ से SIP की होती तो 12,000 की आपकी लागत एक साल में, इस फंड ने 12,134 के आसपास बना दी है। 5 सालों में 60,000 की लागत इसने आपकी 1,01,669 के आसपास बनाई है। तो 21% की रिटर्न इसने 5 सालों में दी है, 3 ईयर्स में देखेंगे तो 24% की रिटर्न है और 2 साल में 15% की रिटर्न है। तो ओवरऑल SIP में भी वही चीज देखने को मिल रही है कि एक साल में अच्छी रिटर्न्स नहीं है, लेकिन ओवरऑल 2, 3 और 5 सालों में अभी भी एक अच्छी रिटर्न्स ये फंड यहां पर जनरेट कर पा रहा है और 5 सालों में अभी भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड ये यहां पर चल रहा है। अब दोस्तों ये चीज भी देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को यहां पर बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 6 महीने, 1 साल और इवन 2 साल में भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है। तो आपको यहां पर ये चीज समझनी होगी। ये चीज आप देखिए, 2 साल में 4% की रिटर्न इसने बेंचमार्क इंडेक्स ने दी और इस फंड ने -2% की रिटर्न दी है। 2 साल में देखेंगे आप, इस फंड के बेंचमार्क ने 31% की रिटर्न दी है और इस फंड ने 28% की। तो अब जो इसका अंडर परफॉर्मेंस है वो एक्सटेंड होकर 2 ईयर्स का हो चुका है। 2 सालों में ये फंड बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, हालांकि 3 और 5 सालों में अभी भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है। अब दोस्तों बात आती है कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करके बने रहना चाहिए या नहीं। तो यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियरली बोलूंगा कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 5 से 7 साल का पीरियड रखते हैं, तो ही आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, क्योंकि ये चीज मैं आपको लगातार पिछले 6 महीने से बताते हुए आ रहा हूं कि ये फंड अभी अगले 6-8 महीने साल भर तक अंडर परफॉर्म कर सकता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जो इस फंड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी फॉरेन इक्विटी, वो अभी कम होती जा रही है और ये नीचे के लेवल्स पे उन फॉरेन इक्विटी में और पैसा इन्वेस्ट भी नहीं कर पा रहा है। तो उसकी वजह से हो सकता है आने वाले 6-8 महीने साल भर तक इस फंड में आपको और भी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, आप सिर्फ 6-8 महीने साल भर के नजरिए से देखते हैं, तो ये फंड आपके लिए नहीं बना है। लेकिन अगर आप एक 5 और 7 साल के नजरिए से इन्वेस्ट करने वाले फंड है इन्वेस्टर हैं, तो ये फंड अभी भी एक अच्छी रिटर्न 5-7 सालों में दे सकता है, क्योंकि फंड है उसकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो अभी भी अच्छी खासी यहां पर दिखती है। बस एक रिस्क जो मुझे समझ आने लगा है कि धीरे धीरे ये फंड PSU कंपनीज में अपनी एलोकेशन बढ़ा रहा है। तो अगर आने वाले महीनों में और ऐसा दिखता है कि और PSU कंपनीज में ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है, तो मुझे उस वक्त यहां पर इस फंड में इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा डाउट ज्यादा होने लगेगा। तो लेट्स सी कि ये जो PSU कंपनीज की एलोकेशन इसकी बढ़ रही है, ये यहीं पे रुक जाएगी या और यहां पर ये फंड PSU कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, तो वो चीज को देखकर हम आगे डिसीजन लेंगे इन्वेस्ट करने का या नहीं करने का। और दोस्तों अगर आपको भी बुक्स सुननी है तो कुकू FM का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और 199 रुपीज पर ईयर में आप काफी सारी बुक्स कुकू FM पर सुन सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।